तुम्हें भले नजर ना आए। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ। अल्लाह उसके अंदर बढ़ोतरी अता फरमाता है, अल्लाह उसके अंदर ज्यादती अता फरमाता है, अल्लाह से जो डरता है अल्लाह उसे बेहिसाब रोजियां अता फरमाता है। सही मुस्लिम के अंदर एक वाकया मैं आपको बताऊं, सही मुस्लिम के अंदर एक वाकया आता है कि एक शख्स जंगल के अंदर जा रहा था, अचानक उसके कान में आवाज आई और कान में आवाज आई कि ए बादल तू फलां के बाग में जाकर वहां बरस। जंगल में उसने आवाज सुनी कि ए बादल तू फलां के नाम के साथ फलां के बाग में जाकर तू बारिश वहां जाकर के तू वहां बारिश बरसा। वह आदमी हैरान रह गया, उसने कहा यह क्या बात। इतने में उसने देखा कि वो बदली वहां से हटी और एक बाग के और बारिश हुई और पत्थरों के ऊपर बारिश गिरी और उसमें से नालियों में से पानी बहकर उस बाग की तरफ जाने लगा। वो आदमी वही पानी देखते 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 उस बाग के अंदर दाखिल हुआ, देखा कि एक आदमी बाग के अंदर खेत के अंदर ऐसे ही नालियां बना रहा है और वो पानी जाकर के उन्हीं नालियों के अंदर उसके बाग में इधर उधर बिखर रहा। उस आदमी के पास वो शख्स पहुंचा, उसने कहा कि भाई आपका नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम ये है फला है, लेकिन तुम्हें मेरे नाम से क्या निस्बत भी, तुम मेरे नाम के बारे में क्यों पूछ रहे हो। उसने बतलाया कि असल में मैं जंगल में आ रहा था कि मैंने तुम्हारा ही नाम सुना कि कहने वाला कोई कह रहा है कि ए बादल फला के बाग में जाकर के बरस, उसे पानी की जरूरत है। उसने कहा अल्लाह ये बतलाओ तुम करते क्या हो जो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ऊपर रहम फरमा रहा है और तुम्हें इस तरह से अल्लाह तबारक तआला बारिश दे रहा है, पानी तुम्हारे बाग को अता फरमाता है। उसने कहा मैं तो कोई काम नहीं करता हूं, लेकिन एक काम मैं जरूर करता हूं। कहने लगे कौन सा काम। कहने लगे हम काम ये करते हैं कि ये जो गल्ला है बाग का, इस बाग के गल्ले को हम जमा करते हैं, जब फसल पक जाती है तैयार हो जाती है तो इसका मैं तीन हिस्सा करता हूं। एक हिस्सा मैं अपने बाल बच्चों के लिए रख लेता हूं और इसमें से एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों को दे देता हूं और एक हिस्सा अल्लाह के नाम में ज़कात निकाल देता हूं। अल्लाह अकबर। कहने लगे बस यही वो बात है कि तू अल्लाह के राह में जो ज़कात निकाल रहा है और गरीबों मिस्कीनों की तू जो खबरगीरी कर रहा है, अल्लाह ने भी तेरे लिए अल्लाह अकबर ये जरिया बनाया है कि तू इसी तरह अल्लाह की राह में खर्च करता रहे तो अल्लाह आसमानों से तेरे लिए बारिश उतारता रहे। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीजों अल्लाह ने जो फरमाया है ना, वमा मिन दाबतिन इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, जितने भी कीड़े मकूड़े जमीन पर चलने वाले हैं, चाहे वो इंसान हो जिन्नात हो चाहे वो हैवान हो चरिंद हो परिंद हो, अल्लाह फरमाता है सबके रोजियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं सबकी रोजियां देने वाला हूं। और एक जगह इरशाद फरमाया कि तुम इन जानवरों को देखो ये अपनी पीठों पर अपनी रोजियां लिए हुए नहीं घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। अपनी पीठों पर ये रोजी लेके घूमते और इंसानों से ज्यादा जानवर हैं कि नहीं हैं, क्योंकि हजारों करोड़ों के जानवर तो रोजाना जबह किए जा रहे हैं जिन्हें इंसान खा रहा है। हजारों जानवर खा करके इंसान ही इंसान है, लेकिन एक जानवर अगर किसी इंसान को खा ले तो उसे क्या कहा जाता है, दरिंदा कहा जाता है कि नहीं। हजारों जानवर इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं चरिंद परिंद, और इंसान की वो खुराक हैं और इंसान उन्हें खाता और पीता है, उन्हें इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी जानवर की पीठ पर उसकी रोजी बंधी हुई है। मियां जिन जानवरों को हम अपने घरों में बांध करके खिलाते और पिलाते हैं ना, वो जानवर तो बहुत कमजोर और दुबले पतले होते हैं उन जानवरों के मुकाबले में जो जंगलों बियाबानों में आजादाना तौर पर घूमते हैं, जो अल्लाह जिन्हें रोजियां अता फरमाता है, चरिंद हों कि परिंद हों कि कीड़े हों कि चूंटी हों कि मकौड़े हों, जो कुछ भी हशरातुल अर्ज़ हैं, सबकी रोजियां कौन देता है, हम देते हैं, अल्लाह देता है। समंदर की मछलियां खुश की कुछ भी सब अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। तो फिर हम इतने बेईमान क्यों और इतने बेएतबार और इतने अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले क्यों, ना भरोसा करने वाले क्यों बन चुके हैं। मेरे अजीजों हम भी अगर उसी तरह से भरोसा करें
अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिस तरह से कि परिंदे अल्लाह के ऊपर भरोसा करके अपने घोंसलों के अंदर रहते हैं, जो जब सुबह होती है तो उनके पेट खाली होते हैं, अपने घोंसलों से उड़ते हैं और जाकर जब शाम को लौटते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। अगर तुम उस तरह से अल्लाह पे भरोसा करो तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह से रोजियां अता फरमाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि घर में हाथ पैर बांध के बैठे रहो, ना, क्योंकि परिंदे घोंसलों में बैठे नहीं रहते हैं, बल्कि परिंदे घोंसले छोड़कर गोलियों का, गुलेलों का, पत्थरों का, सब कुछ से बेखौफ होकर, शिकारी के शिकार के जाल और बंदूकों और गुलेलों सब से बेपरवाह होकर और उन सब को जान हथेली पर रखकर दाने चूगते हैं, तलाश करते हैं रोजियां। इसी तरह से बंदों को भी चाहिए कि वो रोजियां ढूंढें और तवक्कुल अल्लाह अज़्ज़वजल के ऊपर करें, मेरे अजीज। और इसी तरह से ये तो आपने सुना कि वो आदमी एक हिस्सा गरीबों मिस्कीनों में, एक हिस्सा अपने हलोयाल के लिए और एक हिस्सा जकात और सदकात निकाल दिया करता था। और इसी तरह सूरह कलम के अंदर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो आदमियों का वाकया बयान किया, एक आदमी का वाकया बयान किया है कि उसको अल्लाह तबारक ताला ने बाग अता फरमाया, बहुत बड़ी रोजी अता फरमाई, और वो करता क्या था, वो करता ये था कि अपने बाग की फसल तैयार करके उसका भी काम यही था कि एक हिस्सा अपने बाल बच्चों के लिए और दो हिस्से अल्लाह की राह में खर्च कर दिया करता था। जब वो मर गया तो उसके बच्चों ने सोचा कि हमारे अब्बा नहायत ही फजूल खर्च थे, ऐसा करते हैं कि अब की अब तो वो मर गए, अब वो जितनी सखावतें करते थे अब ऐसा करते हैं कि जितना माल है अब जमा कर लेते हैं और तरक्की करते हैं। दोनों भाइयों ने कहा ठीक है, फसल तैयार हुई। कहने लगे दिन में इस फसल को नहीं तोड़ना ना काटना है, रात के अंधेरे में काटेंगे ताकि गरीब और मिस्कीन मांगने के लिए ना आ जाएं, वरना फिर उनको देना पड़ेगा और हमारे बाप की बेइज्जती होगी। कहने लगे ठीक है। रात को इन्होंने सफ़र किया। ये सूरह कलम कुरान करीम के अंदर जो है उसके अंदर अल्लाह ने इस वाक़े को बयान किया है। जब वो दोनों अपने बाग की तरफ चल रहे थे और जब बाग में पहुंचने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का अजाब वहां आ चुका था। आंधी आई और आंधी के अंदर आग थी, उस आग ने पूरी फसल को जलाकर राख कर दिया। जब वो अपने बाग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहां तो कुछ भी नहीं है, वीरान और सहरा है। उनको यकीन नहीं आया कि ये उन्हीं का बाग है, लेकिन जब सुबह हुई तो देखा कि यकीनन ये उन्हीं का बाग है। उनकी नियतों के अंदर फतूर आया, बेईमानी आई और गिश और खयानत आई। अल्लाह तबारक ताला ने उनको असल माल से भी महरूम कर दिया। तो जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, दयानतदारी तकवा अख्तियार करते हैं, चाहे वो तिजारत करें, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे वो नौकरी करें, चाहे वो ज़राअत करें, किसी भी मैदान में अल्लाह तबारक व तआला भले वो थोड़ा हो उसके अंदर उन्हें बरकत अता फरमाता है, अल्लाह उनके अंदर बरकत अता फरमाता है। सही बुखारी और ईसार और कुर्बानी की एक मिसाल और भी देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाते हैं कि एक आदमी ने एक ज़मीन खरीदी, बेचने वाले ने बेच दी और वो चला गया। जब उस आदमी ने उस ज़मीन की खुदाई शुरू की तो उसके अंदर उस आदमी को सोने का एक मटका मिला। ज़मीन, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, सोने का एक मटका मिला। मटका मिलते ही वो आदमी फौरन जिस आदमी से उसने ज़मीन खरीदी थी उसके घर पहुँचा। उसने कहा भाई साहब, आपकी ज़मीन में मैं खुदाई कर रहा था, यह सोने अशरफी का जो है यह मटका मिला है, यह आप रख लो, यह आपका है, क्योंकि हमने आपकी असल ज़मीन खरीदी है, हमने इसकी कीमत तो तुम्हें नहीं दी है। उसने कहा बंदे खुदा, तू अजीब आदमी है, हमने तुझे ज़मीन खरीदी, बेच दी और उस ज़मीन में जो कुछ भी थी हमने उसकी कीमत तुझसे ले ली, अब मेरे काम की ये कौन सी चीज़ है, ये तेरा माल है, अल्लाह ने तुझे दिया है, तो तू मेरे पास क्यों आया है, ये अल्लाह ने तुझे बरकत दी है, तू ही रख ले, मुझे इसकी ज़रूरत। अल्लाहु अकबर, आज हम लोग होते तो क्या होता, हैं, कहते मियां लाटरी निकल गई, खलास, अब तो करोड़पति बन गए हम, लाखों करोड़ों के ख्वाब देखते, मिल लगवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, किसी को कानों कान खबर ना होने पाए। मोहतरमा, तुम्हें तो हम सोनों से लाद देंगे, बताना नहीं किसी से, ये तो देखो अल्लाह ने बरकत दी है, अल्लाह हमने ज़मीन खरीदी पर। लेकिन अल्लाह अकबर, वो लोग ऐसे न थे। आपस में ये दोनों झगड़ पड़े। उसने कहा मैं नहीं लूँगा, उसने कहा मैं नहीं लूँगा। वो दोनों
काजी के पास पहुंचे फैसले के लिए कि अब कुछ आप फैसला करें या माल हम क्या करें। काजी ने कहा यह बताओ तुम्हारी कोई औलाद है? कहने लगे हाँ मेरे पास एक लड़का है। दूसरे ने कहा मेरे पास एक लड़की है। कहा मामला साफ है, तू अपनी बेटी इसके साथ ब्याह दे, इस पैसे को इसमें खर्च कर दे और कुछ पैसे अल्लाह की राह में सदका और खैरात कर दे। इस तरह से इस मसले को हल किया गया, उसकी लड़की इसके साथ ब्याह दी गई और उस शादी में वो पैसे मेहर के तौर पर या जो भी जेवरात जो भी थे उस तौर पर उसको दे दिए गए, कुछ पैसे सदका और खैरात पे दे दिए गए। बाज रिवायतों में इस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर उस आदमी के नाम के बारे में तो कोई वजाहत नहीं जिस आदमी ने फैसला दिया, अलबत्त बाज दूसरी रिवायतों में यह आता है कि वह फैसला देने वाली शख्सियत कौन थी। वह फैसला देने वाले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उनकी कौम का यह वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। यह है अमानत और यह है दयानतदारी, इसकी और इखलास और ईसार और कुर्बानी कि अपने भाई के लिए अपने फायदे की चीज से तनाजुल अख्तियार करके अपने भाई को फायदा पहुंचाना। ये मोहब्बतें, ये अखलाक, ये रवादारियां, ये चीजें उस जमाने में थी तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इस तरह की बरकतें अता फरमाता था। और दोस्तों बिजनेस, तिजारत, कमाई जो कुछ भी है, ज़राअत जो कुछ भी आप जिस मैदान में रोजियां कमा रहे हैं, हलाल कमाओ हलाल और हराम से बचो, ये बेहद ज़रूरी है। आज के दौर में हलाल और हराम को इस तरह खलत मलत कर दिया गया है कि अल्लाहु अकबर कोई फ़र्क और कोई तमीज़ नहीं रह गई। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ला ताकुलू अमवानकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराद मिनकुम। ऐ ईमान वालो, बातिल तरीके से माल आपस में बांट बांट करके ना खाओ, हराम तरीके से माल बांट बांट करके ना खाओ, मगर ये कि आपस के अंदर राजी और खुशी, तिजारत का लेन देन हो, इस तौर पर आपस में एक दूसरे का माल खा सकते हो तुम। और इस हराम की तफसीलात जो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान करीम में मना फरमाया है, इन हराम चीज़ों की तफसीलात कुरान और अहादीस के अंदर अच्छी तरह से मौजूद है। चुनांचे मैं उन तफसीलात को मुकम्मल तौर पर तो नहीं रख सकता, अलबत्ता बाज़ चीज़ें न उनकी तफसीलात रख सकता हूँ, नाम गिना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर उन हराम चीज़ों में जो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने खाने से जिसे मना फरमाया है, हराम तरीक़ों में एक तरीक़ा तो यह है कि यतीम और बेवा का माल हराम तरीके से हड़प करके खा जाना, इसी तरह से बीवी के महर, बीवी का जो हक़ महर है उसे हड़प कर जाना या उसे न देना या उसे ज़्यादा बढ़ा कर लोगों के दिखावे के लिए और बाद में उसको ना अदा करना, यह भी हराम तरीक़ा है माल खाने का। इसी तरह चोरी से, डाका जनी से, रहजनी से, गसब, लूट, खसूट, जेब तराशी, रिश्वत, सूद, ये तमाम तरीके हैं जिसके जरिए से माल कमाया जाता है या इस तरीके से माल हासिल किया जाता है। ये तमाम तरीके इस्लाम के अंदर हराम हैं, हराम हैं, इनसे मुसलमानों को बचना चाहिए। एक चीज जो अलबत्ता जो हलाल है और वो है तिजारत, और वो भी हलाल तरीके से, बशर्ते कि उसके अंदर दोनों फरीक राजी हों, राजी और खुशी से तिजारत की जाए और उसके अंदर जो नफा मिले उसको खाना हलाल है, उसके अंदर धोखा और फरेब हरगिज हरगिज ना हो। कुरान करीम में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जहां अवामी सतह पर इन तमाम हराम चीजों की फहरिस्त बयान फरमाई है, वहां अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा के वो उलमा जो हराम तरीके से माल को खाते हैं उनका भी जिक्र फरमाया है और उनकी भी कुरान करीम में सख्त गिरफ्त आई है कुरान की। और उनके बारे में अल्लाह ने यह फरमाया कि ये कुरान की आयतों को वो बेच करके खाते हैं चाहे, और उसकी गलत तावीलात करके, गलत फतवे बताकर, गलत मसले मसाइल बताकर उम्मत के बेड़े को गर्क कर रहे हैं और उनकी जेबों को वो खोखला कर रहे हैं और खा रहे हैं, चाहे वो तावीज़ बनाकर, चाहे वो नियाज फातह के नाम पर, चाहे वो उर्स और मिलाद के नाम पर, चाहे वो जशन और जुलूस के मिलाद के नाम पर, बातिल और हराम तरीके से ये उलमा जो लोगों के माल को खा रहे हैं, चाहे वो हुकूमत की चापलोसी करके, गवर्नमेंट की हम हाँ में हाँ मिला करके हराम को हलाल करके और गवर्नमेंट के सामने हराम को हलाल और हलाल को हराम बतला करके इस तरह अपनी जेबें वो हराम तरीके से भर रहे हैं, कुरान करीम में उन लोगों को इस तरह से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में उन लोगों के बारे में कि इन्नल लजीना यक्तुमून मा अंजलल्लाहु मिनल किताबी व यश्तरून बिही समनन क़लीलन उलाइका मा याकुलून फी बुतूनहिम इल्ला नारन। अल्लाह ने फरमाया कि यकीनन वो लोग जो अल्लाह की आयतों को, अल्लाह ने जो बातें नाजिल की हैं उनको छुपाकर कोई दूसरी बातें